हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नरेंद्र मोदी सामान्य मनुष्य नहीं, वे भगवान का अंश है, राज के पुरोहित। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समस्त राजस्थानी समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के मुख्य सचेतक राज के पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अंश बताया है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मुंबई के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शैलार आदि की उपस्थिति में आयोजित बैठक में शाइना एनसी सहित कई नेताओं ने प्रवासी राजस्थानी कार्यकर्ताओं को राजस्थान जाकर भाजपा को जिताने की अपील की। इस बैठक में पुरोहित ने अपना परिचय देते हुए भावनाओं में इतने बह गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अंश बताया और कहा कि उनमें दिव्य शक्ति है। मुंबई से लोढ़ा शैलार और पुरोहित के अपील पर कुल करीब 1 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के गांव गांव जाएंगे और भाजपा के पक्ष में चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए मुंबई के राजस्थानियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के दादर कार्यालय में आज हुई एक विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मुंबई से राजस्थान में गांव-गांव कार्यकर्ता जाकर बीजेपी की सरकार फिर लाने के प्रयास करेंगे। बीजेपी द्वारा राजस्थान चुनाव के लिए नियुक्त समन्वयक राज के पुरोहित और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा की उपस्थिति में राजस्थानी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ ये फैसला लिया कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शैलार, भाजपा बीजेपी की महिला नेत्री साइना एनसी, नगर सेविक आकाश पुरोहित और नगर सेविक रीटा मकवाना भी बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में बीजेपी के मुंबई में रहने वाले सभी सक्रिय कार्यकर्ता, नेता और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भाजपा की विचारधारा के प्रमुख लोगों से अपील की गई कि इस चुनाव में राजस्थान जाकर बीजेपी की सरकार फिर से लाएंगे। मुंबई से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।